भाई मैसिव टायर इन्होंने जो है अपनी गाड़ी के लिए चूज किया है। आप सोचो कि इसमें 22 इंच लगेगा तो गाड़ी क्या मॉन्स्टर लगेगी भाई ये। और जो स्कॉर्पियो जो चीज के लिए जानी जाती है रोला टशन रोड प्रेजेंस, सोचो भाई 22 इंच के साथ क्या इस गाड़ी का जो है रोड प्रेजेंस होने वाली है। सो भाई मैं कहाँ पे आऊँ, मैं आया हूँ सेक्टर 16 नोएडा। बिकॉज आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे बहुत ही अच्छी खासी जो है कार मार्केट है यहाँ पे। और आप यहाँ पे अगर आओगे तो शायद करोल बाग वाली जो मार्केट है वो भूल जाओगे, आपको अलॉय से लेके गाड़ी में सारा काम सीट कवर म्यूजिक सिस्टम सारी चीज़ मिल जाती है। सो मैं अभी जहाँ पे आया हूँ आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ भाई। और ये देखिए मैं हूँ सेक्टर 16 नोएडा, ये है अशोक मोटर्स भाई। सो यहाँ पे आपको अलॉय का अच्छा खासा कलेक्शन है, पहला चीज़ ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सेपरेटली अलॉय का अच्छा खासा कलेक्शन है इनके पास में। प्लस टायर के जो है ऑथराइज जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है मिशलेन योकोहामा अपोलो आप देख सकते हो वेडस्टाइन और हैंको हर तरह के जो है टायर। सो बेस्ट पार्ट इज जब आप कोई भी अलॉय यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो आपको टायर का साइज हाथ के हाथ ऑटोमेटिकली इनके स्टॉक में मिल जाएगा, आपको अलग से अरेंज करने वाला जो रहता है वो चीज़ नहीं आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ जहाँ पे मैं अलॉय की बात करूँ, अभी एक बार अंदर चलते हैं, पहले एक बार दिखा देता हूँ कि भाई जो है अभी टायर वगैरह खोल दिए हैं। सो कौन सा टायर साइज भाई मैंने सेलेक्ट किया वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा, और कौन सा जो है अलॉय का साइज सेलेक्ट किया बिकॉज मैंने आप बहुत सारे जो है भाइयों से पूछा था कि भाई क्या करना है 18 इंच पे जाना 19 पे जाना। तो ये देखो भाई, तो वैसे तो ये ऑथराइज जो है डीलर है प्लाटी के और नियो व्हील्स भी जो अपने पास रखे। तो मैंने पहले ही प्लान किया था या तो मैं प्लाटी डलाऊंगा या फिर मैं नियो व्हील्स डलाऊंगा, लोकल अलॉय बिल्कुल नहीं डलाऊंगा। ये देखो सो भाई जो मैंने अभी डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, एक तो वो ये किया है नियो व्हील्स का, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, इनके पास में स्टॉक में भी है ये वाला, और आप देखोगे तो रेडी स्टॉक इनके पास में रहता है। ये देखिए दिल खुश हो गया भाई यहाँ पे आके, पहले मैं सोच रहा था कि लुधियाना पंजाब जालंधर कहीं पे जाना पड़ेगा, बट अभी यहाँ पे आने के बाद में मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा। आपको भले ही कलेक्शन थोड़ा कम लग रहा होगा बट बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो देखो 20 इंच 22 इंच लग रहा देखने से, तो ये देखो लेटेस्ट कलेक्शन है भाई, कोई भी फालतू वालतू का कुछ भी जो यहाँ पे स्टॉक के लिए उन्होंने भर नहीं रखा। सो अभी मैंने जो सिलेक्ट किया भाई ये किया है, और एक मैंने किया प्लाटी का ये वाला सेलेक्ट किया भाई, और इन दोनों को एक बार डलवा के देख लेता हूँ कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा, ये या वो वाला। मेरे को भाई बेटर वो वाला लग रहा है जो नियो व्हील्स का है, और ये वाला ये देख लीजिए भाई। तो एक बार अभी डलवा लेते हैं भाई। इसके अलावा टायर की अगर मैं बात करूँ भाई, तो मैंने जो टायर, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ भाई टायर को लेके कि चाइनीज़ टायर पे मेरे को जाना चाहिए या फिर ब्रांडेड टायर। तो इनके पास जो कलेक्शन है भाई यहाँ पे भी है पूरा अच्छा खासा। सो ये देख लीजिए भाई टायर, मैं वैसे प्लान करके आया था कि मेरे को योकोहामा का टायर डलाना बिकॉज मैं योकोहामा यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी जो है पिछले 1.5 साल से, मैंने अपनी एक्सयूवी में भी डलवाया था तो परफॉर्मेंस उसकी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर विपिन भाई ने जैसे मेरे को रेट बताया, ये मिशेलिन का 18 इंच है और ये चाइनीज़ टायर है, कौन सा है ये ट्राइंगल। सो इसका रेट इन्होंने बताया 19,000, इसका रेट इन्होंने मेरे को बताया 11,000 के आसपास। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर ये मेरा टायर भी जो है चेंज करते जो मैं लेके आया था सो वो भी ऑलमोस्ट 10,000 रुपये के आसपास की कॉस्ट बता रहे। तो अगर मैं ये डलाता हूँ भाई चाइनीज टायर सो मेरी कॉस्ट 1,000, वो भी आप डिस्काउंट दे दोगे सो मेरे को खाली अलग अलग की कॉस्ट देनी पड़ेगी। और अगर मैं मिशन डलाता हूँ तो मेरा 9,000 का डिफरेंस आता है, तो 36,000 रुपये मोटा मोटा खर्चा हो रहा है। मैं पहली बार मैंने आज तक कभी चाइनीज सोचा भी नहीं दिमाग में, आप मेरे को सजेस्ट करते हो चाइनीज डलवाना चाहिए नहीं? क्या वारंटी वगैरह कुछ रहेगी नहीं इसमें? कस्टमर लोकल है या बाहर का है, स्टेशन है कहीं से भी आएगा उसको गलत सलाह देनी ही नहीं है। सर मेरा क्या है ना, मेरा तो एटलीस्ट ये है कि 35-40 हज़ार छोड़ो 30,000 भी चल जाए तो उतना भी मेरे लिए बहुत है, कम से कम 60,000 भी चलता है। अब बाकी आप कह रहे हो कटने की वारंटी इसमें भी नहीं है और कटने की वारंटी मिशलिन में भी नहीं है, तो 19,000 डालने का भी फायदा नहीं है कटने की अगर वारंटी नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो सर ये फिर जितना वो चलेगा उतना ये चलेगा, कोई रोड नॉइस वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। और मेरे को तो देखने से ये थोड़ा सा रफ एंड टफ भी लग रहा है, ये थोड़ा स्मूथ सा लग रहा है, ये थोड़ा सा वैसे भी लग रहा है। मैं चाहता भी हूँ कि आप जो सर जो सजेशन दो ना एकदम होना चाहिए एकदम कस्टमर, बिकॉज अगर मैं आपके पास में आऊँ तो मैंने भी आपको कहीं से सर्च किया है, और आप अगर कोई मेरी वीडियो देख के आपके पास आएगा तो ऑब्वियसली देखो ट्रस्ट भी आएगा चीज़, और मैं भी पहली बार डलवा रहा हूँ। तो विपिन भाई इसको फाइनल करूँ फिर? फाइनल पक्का?
चलो गाइस, तो फिर जो है टायर हम यही फाइनल कर रहे हैं 18 इंच में, ये चाइनीज टायर है ट्रायंगल। और वैसे चाइनीज में और कौन सी ब्रांड आती होगी? वैसे ट्रायंगल ही आती है और चल भी रहा है। और भी ब्रांड आते हैं ट्रायंगल बेस्ट। आपने डाला है भी किसी गाड़ी में? हाँ जी सर। अरे वाह, तो ये भाई फिर ये डलवाते हैं, ट्रायंगल ही डलाते हैं। इसका जो टायर साइज है वो आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ये देखो इधर 255 R18, बिकॉज मैंने जो अभी फाइनल किया है वो आपको मैंने दिखाया था भाई, अलॉय ये नियो वाला ये फाइनल किया मैंने, दिस इज 18 इंच। बिकॉज क्या कि अगर मैं 18 इंच पे जाता हूँ तो भाई एक प्रैक्टिकल अपग्रेडेशन होगा और मॉडिफिकेशन होगा गाड़ी के हिसाब से, बिकॉज ये अपग्रेड करने से जो मेरा एग्जिस्टिंग टायर साइज है 235, 65 और 17 उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, 0% डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट। तो मेरे को लगा कि मैं यही डलवा लेता हूँ विद 0%। अगर मैं इसको 20 इंच पे जाता और वो 275, 45, 20 आ रहा था, उसमें 2.5-3% का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 0%। तो मेरे को लगता है इसी को डलवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कैप जो है ना ये वाला चेंज कर देते हैं, बाकी टायर वो जो अलॉय है वो लोकल है, बट बीच में वो लगा दिए, तो कैसे पता चलेगा विपिन भाई? यहाँ मार्किंग होता है एन, प्लाटी में पूरा प्लाटी लिखा होता है। और कहीं लिखा रहेगा? और कहीं पूरा मैं पीछे देख रहा था, इधर भी शायद लिखा हुआ था कहीं ना कहीं पे ना, नियो व्हील्स वगैरह, ये देखो इधर लिखा हुआ है और जो स्पीड रेटिंग है आप ये देखो, ये दिस इज 104 जो है ये है इसका स्पीड रेटिंग, और ये जो एच आप देख रहे हो ये है एच स्पीड रेटिंग, और 104 जो लिखा है ये है इसका लोड बियरिंग इंडेक्स। तो आप जो नए वाला टायर हम ले रहे हैं उसका आपको चेक कराता हूँ, इसमें 104 है और एच। सो मैं देख रहा था, आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर डाल दूंगा, और जो नए वाले टायर हैं जो हमने फाइनल किए हैं भाई चाइनीज़ वाले, उसका एक बार आपको दिखाता हूँ, वो आप एक बार चेक करो। W तो यहाँ पे जो है आपको इस वाले टायर में जो है इम्प्रूव्ड स्पीड रेटिंग और लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उस वाले टायर में, बिकॉज टायर का साइज़ बड़ा होने के साथ साथ लोड बियरिंग कैपेसिटी और स्पीड रेटिंग ज़्यादा बेटर है। बाकी डिटेल भाई आप इसमें देख लो क्या क्या लिखा है, बोर 67.5 ऑफसेट 20 mm, और ये ब्लैक मशीन इसका है 5 PCDS की 5x114, और ये साइज है इसका 18x18.5, 8.5 इसका चौड़ाई हो गया ना, ठीक है, और 18 इंच का जो है अलॉय होगा। अभी एक और जो है भाई इधर अपनी स्कॉर्पियो लेके आए हैं, नोएडा वाले भाई हैं, और भाई ने कौन सा टायर सेलेक्ट किया आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। भाई भाई ने सेलेक्ट किया है 22 इंच का टायर अपनी गाड़ी के लिए, 305 40 22 इंच। भाई मैसिव टायर इन्होंने जो है अपनी गाड़ी के लिए चूज़ किया है, आप सोचो कि इसमें 22 इंच लगेगा तो गाड़ी क्या मॉन्स्टर लगेगी भाई ये। और जो स्कॉर्पियो जो चीज़ के लिए जानी जाती है, रोला टशन रोड प्रेजेंस, सोचो भाई 22 इंच के साथ क्या इस गाड़ी का जो है रोड प्रेजेंस होने वाली है। थोड़ा सा भाई ध्यान रखना, बिकॉज आप डाल तो लोगे इसमें 22 इंच, बट 22 इंच से क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कहीं ना कहीं जो है 25-30 mm बढ़ जाएगा, और आप 25-30 mm बढ़ गया तो जो है आपका 230-235 के आसपास पहुंच जाएगा, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी वो सारी चीज़ का इशू आ सकता है। बट ठीक है भाई, भाई से मैंने पूछा भी था तो भाई कह रहे थे इनको तो नोएडा में ही चलानी है और हाईवे पे ही चलानी है, सिटी में चलानी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सरकमफेरेंस में डिफरेंस आ रहा है भाई, वो भी अच्छा खासा जो है 7-8% का आएगा। रिकमेंडेशन जो रहती है 2-2.5% तक आप कर सकते हो, बट वो भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो हो सकता है सस्पेंशन वो सारी चीज़ों पर भी असर पड़े। बट ठीक है भाई, शौक बड़ी चीज़ है। सो आपको दिखा दिया भाई, तो ये देख लीजिए आप एक बार। अब चलते हैं भाई अंदर, एक बार अपना बिल वगैरह देख लेते हैं कितना हुआ, और अशोक मोटर्स मिस्टर अक्षय भाई और विपिन भाई हमसे कितना पैसा चार्ज करने वाले, कितना पैसा भाई चार्ज करने वाले अशोक मोटर्स हमसे, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए भाई अंदर। सो ये देखो भैया ने जो मेरे को एस्टिमेट दिया था स्टार्टिंग में जब मैं अंदर आया था, नियो अलॉयस अराउंड 41-300 समथिंग जो है 18 इंच के इन्होंने डाले थे, और मिशलेन का जो था इन्होंने मेरे को बताया था चार टायर 19,000 के हिसाब से 76, तो टोटल कॉस्ट थी 1,17,320। और जो मेरा एग्जिस्टिंग टायर है भाई 235-65 R था, इन्होंने कहा था कि वो 40,000 मतलब 10,000 रुपये का ऑलमोस्ट एक टायर जो है इसमें वापस करेंगे, और रिम्स का भी जो एडजस्टमेंट 1,200 रुपये का इन्होंने किया था। टोटल जो है 1,17 में से मेरे को ये डिस्काउंट देके 76 की कॉस्टिंग बताई थी। एट द सेम टाइम अगर मैंने डलवाया भाई ये वाले चाइनीज टायर, इनकी कॉस्ट थी 11,000 × 4, 44,000, तो अगर 44 और मेरा ये चला जाता 42, तो उस लिए उस हिसाब से भाई तो मेरा टायर ऑलमोस्ट फ्री हो गया, बस मेरे को अलॉय की कॉस्ट देनी है, प्लस थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा 4-5 हज़ार का, वो तो 45-44 के आसपास होना चाहिए। बाकी देखता हूँ भाई साहब अभी क्या करने वाले हैं। तो भाई ये फाइनल बिल जो भैया ने मेरे को थमाया है,
भाई डिस्काउंट के नाम पे इसको भैया ने 43,320 का बिल बना था, भाई मेरे से जो है 4200 ले लिया भैया ने, 42 मेरे को कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो अलॉय की कॉस्ट थी वही मेरे को पड़ी है, बाकी तो अब देखो इन्होंने रिम भी वापस लिए 1200 में और व्हील कवर जो मेरे लगे हुए थे वो भी 800 में वापस लिए और 40,000 के टायर, तो भाई मोटा मोटा 42,000 ये माइनस मेरे को कर दिया है। हो गया भाई अपनी गाड़ी डन, अब चलते हैं भाई फाइनली, ये खड़ी है देख लो कैसी लग रही है फाइनल। ओ भाई साहब क्लास लग रही है भाई, अलग ही माहौल लग रहा है भाई, मज़ा ही आ गया कसम से खतरनाक। सो भाई ये था अपनी खोज, नई खोज यहाँ पे अशोक मोटर्स। सो भाई यहाँ पे आप आ सकते हो, बढ़िया क्वालिटी के अलॉयस प्लाटी और नियो व्हील्स आपको मिल जाएंगे, अच्छा खासा रेंज है भाई। प्रॉपर वीडियो अगर टाइम मिला फ्यूचर में कभी तो बना दूंगा आपके लिए दोबारा से एक बार, और बाकी कॉस्टिंग वगैरह सब मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया भाई। सो दिस इज इट भाई, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाकी कमेंट करके बता दो भाई कैसे लगे अलॉय व्हील और टायर के ऊपर ही भाई बता दो कि या चाइनीज़ टायर लेना डिसीजन कैसा भाई, ठीक है नहीं है। बाकी भाई कुछ चीज़ें लाइफ में पहली बार होती है, हमने पहली बार की है, अगर आप इसका कुछ भी जो है प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो आपको मैं बता दूंगा भाई, इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि डलवाने की या नहीं। वैसे भाई ने बोला है कि क्या बोलते हैं लाइफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोमीटर का डिफरेंस है, अगर आपके जो ब्रांडेड टायर हैं वो 60,000 चलेंगे तो ये भाई 45-50 चल जाएंगे, इससे ज़्यादा और कोई इशू नहीं होता। तो दिस इज़ इट भाई, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।